Next question, those uh, are Chaika Question says A rectangular block of mass m and area of cross section A floats in a liquid of density rho. If it is given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes oscillation with a time period t. और अब हमें बताना है कि टी आपका इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होएगा सो so, ऑप्शन है टी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम या फिर टी विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो या फिर ऑप्शन नंबर सी है टी विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ए इन्वर्सली या फिर टी विल बी प्रोपोर्शनल टू वन बाय रो राइट अगेन यहाँ पे बेसिक्स पे सवाल जाएगा यहाँ पे एस के साथ साथ आपको थोड़ा सा फ्लूड का नॉलेज भी टेस्ट कर लिया गया है सवाल मुश्किल क ही नहीं है हार्डली थर्टी सेकेंड्स एक मिनट का टाइम लगेगा लेकिन आपको ये करना आना चाहिए अलाइट एटलीस्ट एग्जाम में तो एक्सपेक्टेड है तो मैं चाहूँगा आपको ये करना आता हो अलाइट। सो right? so, सवाल ये है कि ये आपका कोई पैन uh, है uh, या कंटेनर है उसमें लिक्विड है लिक्विड की डेंसिटी रो है उसके अंदर आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका मास एम है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है उसको इसके अंदर डाल दिया तो ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है सो so, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है लेटस से ये ब्लॉक आपका यहाँ तक डूब गया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एल है और लेट्स से इसकी लेंथ एल uh, अंदर डूब गई है सो right? so, ये हिस्सा आपका पानी में यहाँ पे दिस इज वॉट द सिनेरियो इज़, ठीक है चलो अब हमें बताना है कि इसका जो टाइम पीरियड होएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होएगा तो वो तो फाइनल इक्वेशन से हम इसको चेक कर लेंगे एक बार इसको टाइम पीरियड इसका निकालना सीखते हैं नाउ ये बात हमने क्लास में सीखी हुई है मैंने आपको रामबाण तरीका सिखाया था क्लास में हम ऐसी बातें करते हैं कि कभी भी एस का टाइम पीरियड निकालना हो तो पहला स्टेप है आप लिखें उसकी इक्वलिब्रियम की इक्वेशन सेकेंड स्टेप होता है कि उसको एक्स से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें और फिर उसकी एफनेट की इक्वेशन लिखें और अगर आपका उस केस में एफ़ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्मेट आ गया है तो आपका टाइम पीरियड नथिंग बट टू पा अंडर उड एम बाई के हो जाएगा ये आपका टाइम uh, पीरियड आ जाएगा अगर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्मेट में आ जाएगा तो ये अपना टाइम पीरियड आ जाएगा ओलाइट इसको जो हम देखेंगे तो पहला स्टेप होएगा अपना इक्विलिब्रियम पे जब हम इसका फोर्स देखेंगे सो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम पोरिशन एफ नेट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो विच एम्प्लाइज आपके जो फोर्सेज होंगे आप लिख सकते हैं एम जी माइनस इसका जो बायोन्सी फोर्स आएगा ना बायोन्सी फोर्स को हम लिख सकते हैं रो वी जी uh, बायोन्सी फोर्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बायोन्सी फोर्स होता है रो वी जी ना वी uh, को हम यहाँ लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई एल एरिया आपका ए लेंथ आपकी एल मल्टीप्लाइड बाय जी नाउ दिस वुड बी इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज़ एम जी विल बी इक्वल टू रो एल जी आपकी क्वेश्चन नंबर वन हो गई एम जी की वैल्यू इतनी आ जाएगी अच्छा यहाँ पर जी कट करने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड स्टेप uh, होएगा जब हमने इसको एक्स से स्लाइटली डिसप्लेस कर दिया हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक्स से आपने हल्का सा नीचे धक्का दे दिया है सो so, हम कह रहे हैं आफ्टर स्लाइट डिसप्लेसमेंट ऑफ एक्स ठीक है उस केस में आपका जो नेट फोर्स आएगा उसको आप लिखेंगे एम जी माइनस रो ए मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस एक्स जी एल प्लस एल प्लस एक्स क्यों लिखा हमने क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है अब ये नीचे एक्स से दब गया है तो हमारा वॉल्यूम जो है एरिया मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस एक्स हो जाएगा ना इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं दिस विल बी एम जी माइनस रो ए एल जी माइनस रो ए एक्स जी नाउ इसको देखेंगे तो पहली इक्वेशन से एम जी और रो ए एल जी बराबर है दोनों कैंसिल हो जाएंगे विच uh, इंप्लाइज आपका जो एफनेट है वो आ गया और माइनस टाइम रो ए जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स अब अगर उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये अपना के की वैल्यू हो गई ये के की वैल्यू आ गई इसका मतलब आपका टाइम पीरियड हो गया टू पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के तो आप इसको लिखेंगे एम डिवाइडेड बाय के के का मतलब हो गया आपका रो ए जी ये आपका टाइम पीरियड हो गया नाउ अगर इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमें डिजायर्ड यहाँ पे चाहिए सो so यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका टाइम पीरियड जो है वो आपका अंडर रूट ए के इन्वर्सली अंडर रूट ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के तो पहला ऑप्शन गलत हो गया डेंसिटी uh, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के तो ऑप्शन नंबर बी और डी भी गलत हो गए सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट right आंसर है सो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट चॉइस